हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज मैं रिलेटेड टॉपिक ओपन इंटरेस्ट रखा हूँ, जिसमें यूजुअली ओपन इंटरेस्ट में क्या होता है और उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो कॉल राइटर्स होते हैं या पुट राइटर्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, जो ऑप्शन सेलर होते हैं, उनको राइटर्स कहा जाता है सिंपल टर्म में। तो गाइस, क्या होता है कि अगर कोई राइटर, जैसे कॉल राइटर हुआ, कॉल बाय करना मतलब आप बुलिश हो और कॉल राइट करना मतलब आप बेरिश हो, ठीक है। और सेम टाइम में अगर आप पुट बाय करते हो, डैट मीन्स यू आर बेरिश इनटू द मार्केट। एंड व्हेन यू आर राइटिंग द पुट ऑप्शन, मतलब आप पुट को राइट करते हो, डैट मीन्स पुट को आप सेल करते हो, आप बुलिश हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा चाहता है कि पोर्टफोलियो अपना प्रोटेक्ट करे कहीं ना कहीं, तो जैसे अगर मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं, जिसमें आपको सर्टन प्रीमियम देना पड़ता है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट भी करें और साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी प्रोटेक्टेड रहे, तो आप नेकेड पुट ऑप्शन लेते हो। पर नेकेड पुट ऑप्शन में गाइस क्या होता है, जब आपका मार्केट सडनली अगर फॉल आएगा या अगर डीप इन द मनी में जाता है, तो आपको प्रॉफिट देता है। इन द मनी का मतलब क्या होता है, जब आप जैसे अभी 35,200 का आप फेयर प्राइस देख रहे हो, अगर ये इसके नीचे चला जाता है, ठीक है, मतलब 35,000 आ जाता है और आपने 35,200 का पुट ऑप्शन लिया है, दैट मीन्स ये इन द मनी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इन द मनी में आ जाता है तो आपका मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है और आपको प्रॉफिट देता है। अगर वो इन द मनी में नहीं रहेगा तो आपको लॉस देगा, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ। अगर एक एग्ज़ाम्पल ले लो, मार्केट एक दिन 200 पॉइंट ऊपर गया, फिर दूसरे दिन और 200 पॉइंट ऊपर गया, फिर सडनली 400 पॉइंट गिर गया, ठीक है। पर आप डिफरेंस अगर देखोगे तो मार्केट तो वही रेंज में घूम रहा है, राइट, बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, आपकी ब्रेक इवन आपने जो बाय की है, ठीक है, तो जो भी आप बाय करते हो तो वो तो आपके डायरेक्शन से मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आपने पुट बाय किया, दो दिन वो कंटिन्यूस गिरा, उसके बाद बढ़ गया, ठीक है। अगर कोई किसी ने बुक नहीं किया उसको और वो वापस अपने प्राइस पे आता है, तो टाइम वैल्यू आपका चला जाता है, साथ ही साथ आपका प्राइस जो है वो भी कम होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई प्रॉफिट बुक नहीं करता है तो ऑब्वियसली दे विल मेक अ लॉस इन टू द मार्केट। तो आप जब प्रोटेक्ट करते हैं, जब अगर आपको लगता है कि मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है या अगर कुछ न्यूज़ ऐसा आने वाला है जिससे आपको प्रोटेक्ट करना है, तो लोग इसको नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं, जब उनको बेरिश करने के लिए। अदरवाइज ऑपोजिट आप देखोगे, जब मार्केट ऊपर जाने वाला है तो लोग कॉल बाय करते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप प्रोटेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो को, ठीक है। अभी राइटर्स का मतलब क्या, जो मैं ओपन इंटरेस्ट का टॉपिक होता है, मैंने आपको बेसिक जो समझाया, ओपन इंटरेस्ट समझने के लिए बेसिक समझना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो जब आप ओपन इंटरेस्ट पकड़ते हो, तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि लोग ऑप्शन सेलर हैं, ठीक है, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैं बायर नहीं हूँ, ओके। जब मैं ऑप्शन सेलर बन जाता हूँ, या तो मैं पुट राइटिंग करूँगा, मतलब पुट सेलिंग करूँगा, या तो मैं कॉल राइटर बनूँगा या तो कॉल सेलिंग करूँगा, जो मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। तो आप ये वीडियो में देखिए, इसमें क्या हो रहा है, अभी जो फेयर प्राइस है वो 35,200 चल रहा है, ओके। यहाँ पे देखिए 3 जून की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में, ओके, कहीं ना कहीं 35,500 में कॉल राइटिंग बढ़ रही है, कॉल राइटिंग बढ़ रही है मतलब कॉल सेलिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है, राइटर्स चाहते हैं कि बैंक निफ्टी 35,500 के नीचे रहे ये एक्सपायरी में, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 35,000 में कॉल राइटिंग बनी हुई है, साथ ही साथ 35,000 में कॉल राइटिंग भी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मार्केट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्लाइड प्रेशर आ सकता है, अगर ये 35,500 के ऊपर निकल जाता है तो ये पॉसिबिलिटी है आपको 36,100 तक जाए। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइटर्स ही नहीं है, सब अगर पैनिक में यहाँ से राइटर निकल जाते हैं मार्केट से, तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट ऊपर का ये एक सपोर्ट पकड़ लो आप, 35,500 एक सपोर्ट है आपके लिए ऊपर का ट्रेंड, और कहीं ना कहीं अगर ये मेंटेन कर लेता है या अगर मार्केट अपर ट्रेंड में जाता है तो चांसेस है कि ये 35,900 या जल्दी फास्ट में जाए। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ऊपर देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी राइटर है 36,100 में। तो मुझे ऐसा लगता है एज़ पर चार्ट ये 36,100 और ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, यहाँ पे देख रहे हो ना कहीं ये अपर ट्रेंड में ये 34,600 और 36,100 के बीच में बंद होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पुट राइटिंग यहाँ पे हो रही है और लोग यहाँ पे पुट सेलिंग कर रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि वो ये लेवल के ऊपर बंद हो जाए, और जो राइटर्स होते हैं वो चाहते हैं कि इसके अंदर बंद हो जाए। तो आप ये चीज़ में आप ये समझिए कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपको एक ट्रेंड मिल जाता है, तो उसके बेसिस में मैं स्ट्रेडल स्ट्रेटजी बना सकते हो आप, सिंगल स्ट्रेटजी बना सकते हो। मैं धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में वो बताऊंगा आपको किस तरह से वो वर्क होता है। तो ये एक ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन है जिसमें आपको चेंज इन ओआई पे कंसंट्रेट करना है। इसमें ऑप्शन सेलर काफ़ी पैसा बनाते हैं ये ओपन इंटरेस्ट वॉच करके, ठीक है। अगर मार्केट ये रेंज में रहता है और किसी ने अगर ट्रेडल स्ट्रेटजी बनाया है शॉर्ट रिलेटेड, मतलब ट्रेंड ऊपर और नीचे का अगर मिडिल पोर्शन उसको कमाना है तो वो स्ट्रेडल बोलते हैं। अगर वो शॉर्ट करता है वो चीज़, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, वो रेंज मोड में अगर बंद हो जाता है तो क्लाइंट अच्छा प्रॉफिट बनाता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि आप ओपन इंटरेस्ट को पहले समझो कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, उस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है कहीं ना कहीं आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो गाइज़ ये जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ये आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, जिसमें आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि मार्केट वर्क कैसे करता है, ओके। अगर राइटर्स भी आज मैं बायर हूँ तो सामने दो सेलर भी हो सकते हैं, राइट, ओके। अगर वो दो सेलर है उसके उसके ऑपोजिट में और चार बायर भी हो सकते हैं, राइट। तो ये आप समझिए कि एग्जैक्टली मार्केट में होता क्या है, उस तरह से आप काम करिए। और आप कमेंट में डालिए कि अगर आपको यहाँ पे अगर और कुछ पोर्शंस आपको नया वीडियोस रिलेटेड बनाना है, जिस जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे वीडियोस इसमें ऐडअप करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस।